राजस्थान के भरतपुर में आज एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। गनीमत ये रही कि यह फैक्ट्री बंद थी, लेकिन बारूद में लगी आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। भरतपुर शहर फिर एक बार पटाखों की आग से झुलस उठा। यहां के बी नारायण गेट के पास एक पटाखा फैक्ट्री में शुक्रवार को अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि यह फैक्ट्री लंबे समय से बंद थी, अगर यहां काम चालू होता तो हादसे का भयावह रूप देखने को मिलता। घटना के बाद मथुरा गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। आग लगने पर आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। गौरतलब है कि वर्ष 2008 के अक्टूबर माह में दारू खिंचा इलाके में पटाखा विस्फोट भी हुआ था। इस हादसे में भी 4 महिलाओं सहित 27 लोगों की मौत हो गई थी, साथ ही कई लोग झुलस गए थे। उधर बीकानेर भी पटाखों की आग में सुलग चुका है। वर्ष 2017 के जुलाई माह में बीकानेर के सोनगिरी कुआ क्षेत्र स्थित मोहल्ला डीडू सिपाहियन की सकरी गली में पटाखा गोदाम व कारखाने में आग लग गई थी। इस आग में 5 श्रमिक जिंदा भस्म हो गए थे और कई झुलस गए थे। इसके अलावा आसपास के मकानों में ढहने और दरारें आने की भी सूचना मिली थी। एक बार फिर वही सवाल है कि ऐसे अवैध कारोबार पर प्रशासन की नजर क्यों नहीं पड़ती। हादसे के बाद ही कार्यवाही को अंजाम दिया जाता है, लेकिन तब तक कई लोग हादसे का शिकार हो चुके होते हैं।